हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के बारे में कि आपको किस तरह से इसमें एडमिशन लेना है, कौन कौन से इसमें कोर्सेज होती हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, हर एक चीज़ के बारे में इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट आए तो आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाए। देन यहाँ पर दिया गया है क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू 2023 एप्लीकेशन सोन डेट्स एलिजिबिलिटी पैटर्न एंड सिलेबस। देन यहाँ पे दिया गया है इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जल्दी ही स्टार्ट होंगे अलग अलग कोर्सेज के लिए। एंड यहाँ पे दिया गया यूजी एंड पीजी के लिए यहाँ पे एक्वायर एडमिशन दिया गया। देन यहाँ पे आपके सामने एक फॉर्म आएगा जिसमें आपको अपना फुल नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, करंट स्टेट, करंट सिटी, इंटरेस्टेड कोर्स, हाइस्ट क्वालिफिकेशन एंड देन आपको गेट फी काउंसलिंग में क्लिक करना होगा। इससे क्या होगा, आपके ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू आपको इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाएंगे। देन यहाँ पे दिया गया कि इस आर्टिकल्स में जो है हर एक इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में है, एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, इसकी फ़ीस के बारे में, एग्ज़ाम डेट्स हो गए या फिर किस तरह से आपको अप्लाई करना है इसमें, उसके बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन दी गई है। देन यहाँ पर नोटिफिकेशन आएगा जो उसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो जल्दी ही स्टार्ट होंगी। एंड आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्या गुड न्यूज़ है, इंडिया के टॉप 4 यूनिवर्सिटीज़ में पारुल, मणिपुर, लवली प्रोफेशनल एंड एलियंस, इन सब यूनिवर्सिटीज़ में जो है एडमिशन स्टार्ट है फ्री फ्लो में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ से जो है अप्लाई कर सकते हैं। देन हाईलाइट्स है जैसे कि यूनिवर्सिटी का नेम क्या है, यूनिवर्सिटी का नेम है क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एंड यहाँ पर यूजी, पीजी एंड इंटीग्रेटेड कोर्सेज वहाँ पर ऑफर किए जाते हैं। एंड इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है ऑनलाइन मोड से फिल करना रहता है, इसका एग्ज़ाम मोड भी ऑफलाइन है। एंड ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक दी गई है, हेल्पलाइन नंबर है, एड्रेस दिया गया है, ईमेल आईडी है एंड इसके वाइस कैंसलर हैं अनुभाषिन, इसके वाइस कैंसलर हैं एंड स्टेट जम्मू दिया गया है एंड कंट्री इंडिया होता है, इंडिया के जम्मू स्टेट में ही दिया गया है। देन इंपॉर्टेंट डेट्स जैसे कि अगर किसी भी से डेट आता है जैसे नोटिफिकेशन का या एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट डेट, एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट, एडमिट कार्ड एग्ज़ाम डेट या फिर रिजल्ट, इन सब में से किसी भी से डेट आएगा तो आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाएगा। देन यहाँ पे दिया गया एप्लीकेशन फॉर्म, आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ऑनलाइन मोड से फिल करना रहता है, तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहेगा। देन आपको वहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको वहाँ पे अपना कन्फर्म के बटन पर क्लिक करना रहेगा। देन आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे, उसमें आपको अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, पेरेंट्स डिटेल्स एंड कुछ डॉक्यूमेंट्स एंड देन आपको अपना एप्लीकेशन फ़ीस देना रहता है। और एप्लीकेशन फॉर्म फीस जो है आपका अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग होती है। देन यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दिया कांट बी फिल्ड विदाउट नोविंग द एलिजिबिलिटी नॉर्म्स। अगर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में नहीं पता है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, अगर आपको पता है तो ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देन यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न दिया गया, एग्ज़ाम पैटर्न है कि यहाँ पर मतलब किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कितने क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में दिया गया। जैसे जनरल इंग्लिश के लिए यहाँ पे 40 क्वेश्चन होते हैं, जनरल नॉलेज के लिए 40 क्वेश्चन है, रीजनिंग के लिए 40 एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए भी 30 क्वेश्चन है। एंड नेगेटिव मार्किंग के लिए यहाँ पे दिया गया 0.25 मार्क्स दिया गया। एंड आपको टाइम मिलता है 2.5 घंटे का, मतलब 2.5 आवर्स का आपको टाइम मिलता है। देन हाउ टू प्रिपेयर, किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है, आपको अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, मतलब जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है आपको एक बार रिवाइज करना रहता है कि हाँ उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं। देन आपको अपने एग्जाम के लिए टाइम टेबल बनाना रहता है एंड आपको वही टाइम टेबल को थ्रू स्टडी करनी रहती है। एटलीस्ट आपको 4 to 5 आवर्स मैक्सिमम मिनिमम स्टडी करना रहता है डेली। देन यहाँ पर एडमिट कार्ड दिया गया है, एडमिट कार्ड जो एग्ज़ाम के 10-15 डेज पहले आते हैं या आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आना रहता है, देन आपको वहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर और अपना पासवर्ड टाइप करना रहता है, देन आप अपना एडमिट कार्ड देख सकेंगे। अगर आपने अपना एडमिट कार्ड देख लिया है तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप PDF भी बना सकते हैं। देन यहाँ पर रिजल्ट दिया गया है, रिजल्ट एग्जाम में कुछ दिन बाद आती हैं, ये आप ऑफिशियल वेबसाइट की थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आना रहता है, देन वहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, अपना डेट